नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। जापान के टोक्यो में ओलंपिक खेलों से उद्घाटन से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को टीम 9 के साथ समीक्षा बैठक में अधिकारियों को उत्तर प्रदेश में लंबे समय से बंद स्पोर्ट्स कोटा को तत्काल बहाल करने के निर्देश दिए हैं और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस में भी प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को शीघ्र भर्ती करा जाए। इस तरह के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। उनका कहना है कि इससे प्रदेश के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में कार्य करने का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस देश की सिविल पुलिस का विशालतम बल है। इसमें खेल कोटा के तहत प्रतिभावान खिलाड़ियों की सेवाएं लिया जाना उपयोगी होना। पुलिस विभाग में खेल कोटा सृजित कर योग्य खिलाड़ियों की यथोचित पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाए और साथ ही साथ उन्होंने सभी सरकारी विभाग में भर्ती लंबे समय से निलंबित पड़े स्पोर्ट्स कोटा को बहाल करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि सभी सरकारी विभाग को भर्ती से पहले खिलाड़ियों के लिए 2% का कोटा रखा जाए। वहीं राजधानी लखनऊ के साथ ही उत्तर प्रदेश के अन्य बड़े धार्मिक स्थल वाले शहरों में सीरियल ब्लास्ट की तैयारी में लगे अलकायदा समर्थित अंसार गजवातुल हिंद मॉड्यूल के आतंकी मिन्हाज व उसके साथियों से उत्तर प्रदेश एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है। इसी पड़ताल में शुक्रवार को कई और जानकारियां जुटाई गई हैं। एटीएस ने लखनऊ के काकोरी क्षेत्र से पकड़े गए मिन्हाज व मसरुद्दीन से मिली जानकारियों के आधार पर ही 3 दिन पहले उनके तीनों साथी शकील मोहम्मद मुस्तकीम व मोहम्मद मुहित से अलग अलग पूछताछ की है। शुक्रवार शाम शकील मुस्तकीम व मुहित की पुलिस रिमांड की अवधि पूरी हो गई जबकि मिन्हाज व मसरुद्दीन से पूछताछ जारी है। मिन्हाज के पास से बरामद पिस्टल उसे लखनऊ में ही उपलब्ध कराई गई थी। वहीं उससे पूछताछ में लखनऊ में ही दूसरा असलहा भी उपलब्ध कराए जाने की जानकारी सामने आई है। हालांकि अभी उसे बरामद नहीं किया जा सका है। एटीएस ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सक्रिय कुछ असलहा तस्करों के बारे में भी अहम जानकारियां जुटाई हैं। उनके मिन्हाज व साथियों से कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं। वहीं देश के अलग अलग हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है। महाराष्ट्र में भी हो रही बारिश भारी बरसात से राज्य में तबाही मचा दी है। वहीं दिल्ली समेत देश के उत्तरी इलाकों में मौसम उमस भरा रहा लेकिन अब उत्तरी राज्यों को जल्द ही गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग का कहना है कि अगले सप्ताह में उत्तरी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र की वजह से पूर्वी और उत्तरी भारत में अगले 2 दिनों तक अच्छी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों में बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी। तेलंगाना और महाराष्ट्र में भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। वहीं वेदर के मुताबिक 24 घंटे के दौरान तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा, गुजरात क्षेत्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से, साथ ही साथ केरल के अलग अलग हिस्सों और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों और इसके साथ में दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। तो देश के कई अलग अलग राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भी भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। वहीं स्काई मेट्रो वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा, साथ ही गुजरात क्षेत्र और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, केरल के अलग अलग हिस्सों, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। वहीं जौनपुर जिले के शाहगंज और आजमगढ़ बॉर्डर पर स्थित इजदीपुर गांव में ओम प्रकाश राजभर पहुंचे जहां पर उन्होंने भाजपा सरकार और सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि 2022 में सरकार बनाकर सबसे पहले इनकी संपत्ति कुर्क करने का काम करूंगा। वहीं कोरोना को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा कोरोना रोकने में फेल हो गई है। दुनिया में कहीं अगर जुमला बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है तो नागपुर में, तो वहां से सीख करके वो आते हैं तो वही ना बोलेंगे। गाजी की दरगाह पे ओवैसी साहब ने चादर चढ़ाया, बीजेपी अब राजनीति कर रही है और फिर राजभर समाज नाराज है। बीजेपी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, फारसी सब लोग हैं, अलग अलग अपने धर्मों को मानते हैं। कांग्रेस में भी वही हाल है, सपा में भी वही हाल है, बसपा में वही हाल है, सब लोग करते हैं, अपने अपने धर्म को मानते हैं। वो करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला है।
वो महबूबा मुफ्ती से समझौता करती है बीजेपी कश्मीर में, और मोदी जाके समझौता करते हैं, सरकार बनाते हैं, और दिल्ली में जब सरकार बनती है शाहनवाज हुसैन मुख्तार अब्बास नकवी दो दो मुसलमान के बेटा को मिनिस्टर बनाते हैं, और तो और नारा लगाते हैं कि मुसलमान से हिंदू को खतरा है, और मुसलमान के जो है बेटों से हिंदू जो अपने को भाजपा के जो कुछ नेता हैं प्रवीण तोगड़िया मुरली मनोहर जोशी लालकृष्ण आडवाणी अपनी अपनी बेटी अपनी अपनी बहन की शादी करते हैं, ये तो रोटी बेटी करते हैं, हमको कहते हैं चादर चढ़ाते हैं। तो भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला गया है। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर जौनपुर पहुंचे जहां पर उन्होंने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने भाजपा सरकार और सीएम योगी पर हमला बोलते हुए कहा है कि 2022 में सरकार बनाकर सबसे पहले इनकी संपत्ति कुर्क करने का काम किया जाएगा। वहीं कोरोना को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा कोरोना रोकने में फेल साबित हो गई। वहीं बाराबंकी में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है जहां 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि सीतापुर जिले की मनवा चौकी के ग्राम बमुला पारा से ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर बाराबंकी के सथरिक मजीठा मेला जा रहे थे। श्रद्धालुओं को एक विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी जिसमें 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। इनकी सूचना राहगीरों से मिलने के बाद देवा पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बाराबंकी में देवा थाना क्षेत्र में सीतापुर के कुछ तीर्थयात्री अपने पूजा के लिए जा रहे थे, ट्राली से बैठे हुए थे, 3 गांव के लोग थे ये लोग, और ये जा रहे थे जिसमें बदरुद्दीनपुर एक गांव है उसके आगे एक ट्रक से इनका एक्सीडेंट हो गया, उसमें टक्कर में इनकी ट्राली पलट गई जिसमें सभी लोग घायल हो गए हैं, सभी को सीएससी हॉस्पिटल। बाराबंकी से आपको एक खबर बता रहे हैं जहां पर एक भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है और इस हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। तो शिवा आपसे जानना चाहेंगे ये भीषण सड़क हादसे की खबर बाराबंकी से सामने आ रही है, किस वक्त ये हादसा हुआ है? देखिए प्रिया, ये पूरी घटना तकरीबन रात 11 बजे की है और ये बताया जा रहा है कि बाराबंकी का जो देवा थाना क्षेत्र है वहाँ बदरुद्दीन गांव है और उसी के पास से एक जो ट्रक है वो ट्रॉली में जाकर के अनियंत्रित होकर के भिड़ गई थी और उसी वक्त ट्रॉली जो है वो हादसे का रूप लेते हुए वो पूरी गांव के किनारे जो एक बाग था वहां पर पलट गई थी और उस हादसे में तकरीबन 4 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई थी, लेकिन 3 दर्जन से ज्यादा लोग अभी भी गंभीर अवस्था में सीएससी में और कुछ लखनऊ के ट्रामा सेंटर पर रेफर किए गए हैं जिनका इलाज प्राथमिक किया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि पूरी घटना तकरीबन 11 बजे के आसपास की है, तो अभी इस पूरी घटना में जो कैजुअलिटी है वो 4 लोगों की है फिलहाल जो एसपी बाराबंकी की तरफ से बताई गई है, लेकिन जो घायल हैं वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं, जो कैजुअलिटी के लिए जो केजीएमसी में भर्ती कराए गए हैं, ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराए गए हैं। और ये बताया जा रहा है कि जो ट्रक है उसका जो ड्राइवर था वो देर रात तकरीबन 2:30 बजे के आसपास जो गैस कटर है उससे निकाला गया है, क्योंकि जब इन दोनों की भीषण भिड़ंत हुई थी उसके बाद से जो ट्रक का जो अगला हिस्सा था वो पूरी तरीके से धस गया था। कहा जाएगा कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो शुरुआती दौर में गांव वालों ने किया था, क्योंकि ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली की भीषण भिड़ंत इतनी दर्दनाक थी कि वहां आसपास के जो गांव के लोग थे उन्होंने आकर के लोगों को रेस्क्यू किया था। हालांकि ये कहा जाएगा कि पुलिस से पहुंचने से पहले ही सभी लोगों को जो ट्रॉली के नीचे गए थे दब गए थे उनको निकाल लिया गया था। ये सभी लोग सीतापुर जिले के बताए जा रहे हैं और गुरु पूर्णिमा का चूंकि आज पर्व है और ये दर्शन करने के लिए बाराबंकी जिले आ रहे थे और बाराबंकी के एक गांव में जो मजीठा है और नाग देवता का मंदिर है वहां पर सभी लोग दर्शन करने के लिए आ रहे थे। ट्रैक्टर ट्रॉली में लगभग 40 लोग सवार थे, 3 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं, अभी फिलहाल उनका प्राथमिक उपचार चल रहा है। तो ये कहा जाएगा कि अभी भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है, लेकिन सभी लोगों का जो इलाज है वो फिलहाल चल रहा है। जी आशीवा, जैसा कि बताया कि कई लोग गंभीर रूप से घायल है जिनका इलाज चल रहा है, अगर बात की जाए उन लोगों की तो किस तरह की स्थिति बनी हुई है अभी?
देखिए, जो अभी बाराबंकी के जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं उनकी हालत तो स्थिर है, लेकिन जो लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में जो रेफर किए गए हैं उनको बहुत ज्यादा गंभीर चोटें आई हैं। कुछ लोगों के फ्रैक्चर हुए हैं, कुछ लोगों के हेड इंजरी हुई है जिसमें महिलाएं भी शामिल है, तो क्रिटिकल कंडीशन है। और आने वाले कुछ घंटों में क्या स्थिति पैदा होती है जरूर देखने वाली बात होगी, लेकिन जिन लोगों को भर्ती लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में कराया गया है उनके लिए जो एक डॉक्टर पैनल की जो टीम है वो पूरी उनकी देखरेख कर रही है कि घंटे डेढ़ घंटे में उनको पूरी तरीके से मॉनिटर किया जाए, उनका हालचाल लिया जाए, ताकि जो उनकी स्थिति है वो किसी भी तरीके से बिगड़े ना। जी बहुत बहुत शुक्रिया शिवा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि ये भीषण सड़क हादसा देर रात हुआ है और इस हादसे में करीब 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही साथ आपको बता दें कि सीतापुर जिले के मनवा चौकी के ग्राम बमुलापारा से ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर बाराबंकी के सत्रिक मजीठा मेला जा रहे थे, तभी श्रद्धालुओं को एक विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। और इसकी सूचना राहगीरों से मिलने के बाद देवा पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। वहीं सीतापुर में लगातार स्वास्थ्य विभाग के लिपिकों का अपने स्थानांतरण को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि यूपी मेडिकल पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री एसोसिएशन सीतापुर का धरना प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी रहा है, जिसके कारण मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सा कार्यालय में कोई भी कार्य नहीं हुआ। कार्यालय न खुलने के कारण चिकित्सा प्रमाण पत्र बनाने वाले लोग भटक रहे हैं। लिपिकों के द्वारा संपादित किए जाने वाले जननी सुरक्षा योजना का भुगतान भी पूरे जिले में बाधित रहा। वह इनकी मांग है कि उन लोगों को 500 से 700 किलोमीटर की दूरी पर ट्रांसफर हुआ है, वह वापस लिए जाएंगे, नजदीक ट्रांसफर किए जाए और इसमें महिला भी सम्मिलित है। सीतापुर से आपको यह खबर बता रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य विभाग के लिपिकों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। आपको बता दें कि चौथे दिन भी ये प्रदर्शन जारी रहा और इसी के कारण मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सा कार्यालय में कोई भी कार्य नहीं हुआ है। कार्यालय न खुलने के कारण चिकित्सा प्रमाण पत्र बनाने वाले लोग लगातार भटक रहे हैं। साथ ही साथ लिपिकों के द्वारा संपादित किए जाने वाले जननी सुरक्षा योजना का भुगतान भी पूरे जिले में बाधित रहा। वह इनकी मांग है कि उन लोगों को 500 से 700 किलोमीटर की दूरी पर ट्रांसफर हुआ है, वह वापस लिए जाए, नजदीक ट्रांसफर किए जाए जिसमें महिला भी सम्मिलित है। वही बुलंदशहर में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान आरटीओ विभाग में आए हुए सभी लोगों को यातायात के नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई गई। आरटीओ मोहम्मद क्यूम खान ने बताया है कि शासन की तरफ से हर साल 4 सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जाता है, जो कि ये कार्यक्रम इस साल का पहले सप्ताह का कार्यक्रम है। वहीं आरटीओ में लाइसेंस बनवाने, अपना लाइसेंस रिन्यूअल कराने आए लोग और विभाग के अधिकारियों सहित सभी को एकत्रित करके शपथ दिलाई गई। तो बुलंदशहर से आपको एक खबर बता रहे, जहां पर आरटीओ विभाग में आए हुए लोगों को शपथ दिलाई गई है। आपको बता दें कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस दौरान आरटीओ विभाग में आए हुए सभी लोगों को यातायात के नियमों का पालन कराने की शपथ दिलाई गई है। साथ ही आपको बता दें कि आरटीओ मोहम्मद क्यूम खान ने बताया है कि शासन की तरफ से हर साल 4 सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जाता है, जो कि ये कार्यक्रम इस साल का पहले सप्ताह का कार्यक्रम है। वहीं आरटीओ में लाइसेंस बनवाने, अपना लाइसेंस रिन्यूअल कराने आए लोग और विभाग के अधिकारियों सहित सभी को एकत्रित करके शपथ दिलाई गई। फिलहाल के लिए इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।